तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख। निर्भया बलात्कारातील चारही दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावून बरेच दिवस उलटून गेले, मात्र अद्याप निर्भयाचे बलात्कारी जिवंत आहेत। कायद्यातील पळवाटा शोधून कोर्ट कचेऱ्यांचा असा काही खेळ मांडला गेलाय की विचारता सोय नाही। आता 1 तारखेला होणारी दोषींची फाशीही टळली। दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाने डेथ वॉरंट रद्द करून अनिश्चित काळासाठी फाशी पुढे ढकलली आहे। 1 फरवरी 2020 को जो फांसी की सजा होने थी, जिसके लिए जल्लाद बुला लिया गया था, सारा कुछ प्रोसेस था, अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की 1 फरवरी 2020 को फांसी नहीं होगी और अगली तारीख भी अभी कोई कोर्ट ने नहीं दी है। सुप्रीम कोर्टाने फाशीवर शिक्कामोर्तब केलं असताना आणि केवळ एकाची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असताना इतर तिघांना फाशी द्यायला हवी होती। सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर पटियाळा हाऊस कोर्टाला स्थगितीचा अधिकार आहे का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतोय। ये कोर्ट इनके पास बिल पावर नहीं था, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अदरवाइज लॉ बहुत क्लियर है, ये हमारी फाइट कंटिन्यू है। ऑर्डर पोस्टपोन हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है, फांसी तो देनी पड़ेगी। अगर इस सिस्टम ने लॉ में प्रोविजन कर रखा है कि डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, तो हैंग तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर खत्म हो चुका है। इन कन्विक्टेड को किस आधार पे बचाया जा रहा है? धक्कादायक बाब म्हणजे दोषींचे वकील एपी सिंग यांनी आता फाशी अनंत काळापर्यंत टळल्याचं आव्हान दिल्याचा दावा निर्भयाच्या आई आशा देवी यांनी केलाय। या देशात कायद्याचं राज्य आहे की नाही, असा त्यांचा संतप्त सवाल आहे। इस कानून व्यवस्था के कमी की वजह से आज एक मुजरिम का वकील मुझे कोर्ट में चैलेंज करके गया है कि अनंत काल तक फांसी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे मुजरिम वो हो गया, तो इस पे अब कोर्ट विचार कर। लाख दोषी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये, हा आपल्या न्याय यंत्रणेचा पाया आहे। त्यामुळे न्याय मिळायला उशीर लागतो, पण एकदा न्याय मिळाला की त्याची अंमलबजावणी करण्यातही उशीर होत असेल तर याला काय म्हणायचं? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड, हे देखील लक्षात ठेवायला हवं। ब्युरो रिपोर्ट, Z24 तास।